शुरू में एक बात बता दूं, मैं एक बंदा एयरपोर्ट से निकलता है, डीपोर्ट जो कि हो गया था, पुर्जा बिगड़ा होता है, हाथ में कोई बैग शैक होता नहीं है, सब देखते हैं यार ये डीपोर्ट हो गया फालतू, ऐसे करते हैं। मैं वीडियो में तफसील समझाता हूँ। एक बंदा आता है एयरपोर्ट के ऊपर और वो बहुत खुश होता है, वो तो शाहरुख खान फिल्म देखी आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें जैसे शाहरुख खान वो बाहें नहीं फैलाता है, सरसों वाले खेत में काजल दौड़ी आती है, तो एक बंदा आता है भाई एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे बाहें फैलाता है, और जाने तो मन ना जाने मन भाई भी हो सकता है, जाने मन में कुछ और ही ना समझ लीजिएगा, उनको जब फिंगे डाल डाल कर बैठता है। एक बंदा वो है, दोनों में डिफरेंट तो हुआ ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यार एक होता है सऊदी से बंदा डीपोर्ट होता है, अच्छा बातें तो होती रहेंगी आज की वीडियो में थोड़ा, ओ भाई तू ना मेरे ऊपर गिर, आज की वीडियो में थोड़ा गपशप चलती रहेगी। मैंने बोला कि भाई यार ये इधर रख लो, ये मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है मुमकिन। अच्छा जी बात ये है कि बातों तो चलती रहेंगी। आप एक होता है हमारे पास तरीका कि हम आते हैं जी सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट होकर, ना तो वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर हमारी इज्जत होती है, ना पाकिस्तान तो उतरने के बाद बिल्कुल नहीं इज्जत करते हैं, इनको पता चल जाता है ये डीपोर्ट हो गया, इनके पास क्या है कुछ भी नहीं, और चल चल आगे चल ऐसे बोलते हैं, और ऊपर से पाकिस्तान में पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, अगर आप पासपोर्ट मांगे तो बोलते हैं 25,000 दे दो, 15,000 दे दो। ऐसा वाक्य भी हुआ और मैंने एक वीडियो लगाई हुई थी इस चीज़ के ऊपर, भाई ने 15,000 रुपया देकर अपना पासपोर्ट वापस लिया। और बहरहाल जी ये तो हो गया अनलीगल, आप सऊदी से डिपोर्ट हुए, अब जो न्यूज इसके मतलब मैं बना रहा हूँ, अगर इकामा एक्सपायर है तो क्या बनेगा, इस चीज़ के मतलब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो भी मैं आपको यहाँ पर लफ्ज़ बातें बताऊँगा ना, आप कन्फर्म कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है जी, जिन बंदों के जिन भाइयों के इकामा एक्सपायर है वो यार इतना ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आप शुरू से पकड़ाई देते हैं यानी कि आप डिपोर्ट होके आए, तो डिपोर्ट होके आए तो आपको ये इज्जत एहतराम मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया है, आपको पता भी नहीं होगा, आपकी फैमिली को भी नहीं पता होगा आप किस एयरपोर्ट के ऊपर उतर रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब आपको सऊदी अरेबिया वो लेके आएंगे ना, सऊदी एयरपोर्ट पर लेकर जाते हैं, ये भी आपको बता दूं मैं साथ में, खारजी एयरपोर्ट पर नहीं, तो वहाँ पर आपको अलग रखा जाता है, आपको मिल जाता है आपका मोबाइल वगैरह जो आपके पास होती है ना चीज़ें, तो जब आपको पकड़ते हैं उस टाइम एक आप बोरे लिफाफे में पैक करके रखते हैं, बाद में वहाँ पर आपको ला कर दे देते हैं एयरपोर्ट के ऊपर आपके, अगर उसमें रियाल भी है मोबाइल भी है कुछ भी है वो आपको वापस मिल जाता है, वो जब्त नहीं करते हैं ये चीज़ है जी। अच्छा ये बात ये है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं अपने घर वालों को, हाँ जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन जहाज किधर का लगा हुआ कोई पता नहीं किधर का लगा हुआ है, आपको इस्लामाबाद उतार दें, लाहौर उतार दें, कराची उतार दें, ये तो वल्ला आलम, ठीक है जी। आप वहाँ से फिर भाई यहाँ पाकिस्तान में आकर नकल जमाई पकड़ेंगे, बसों में धक्के खाते घर पहुँचेंगे, हुड़िया वगैरह बिगड़ा होगा, वहाँ 15-20 दिन जेल में रह के आना है। इकामा एक्सपायर वाले जब पकड़े जाते हैं, किसी शुरते को पकड़ाई देकर या खुद से पकड़ाई दे देते हैं या बदून के फील पकड़े जाते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाता है, 15-20 दिन जेल में रखा जाता है, बाकायदा उनकी अच्छी खासी शक्ल वगैरह बिगड़ चुकी होती है, बिगड़ने से मराज दाढ़ी बढ़ गई, मूंछें बढ़ गई, सफेद बाल है वो बढ़ गया, बंदा पहचाने नहीं जाता। अच्छा बात यह है, एक तो तरीका ये है यार, हमने ये तरीका क्यों अपनाना है, हम तो ये तरीका अपनाए ना कि भाई हाँ मैं शाहरुख खान की फिल्म देखी आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो जैसे शाहरुख खान उतरता है तो सरसों में ऐसे बाहें फैलाता है तो वो काजल दौड़ी हुई आती है, तो हम ये तरीका क्यों ना अपनाएं यार, है कि आप यहाँ एयरपोर्ट पर उतरें बाकायदा अपनी टिकट लेकर आए, चाहे इकामा एक्सपायर कैसे मैं आपको बता दूँ, आपने अपनी शॉपिंग की हुई है, बैग आपके पास पड़े हुए हैं, आपके आगे फैमिली आ रही है, आप जब भी डाल डाल कर मिल रहे हैं यार, हैं तो ये तरीका नहीं बेस्ट है यार। अच्छा ये कैसे भाई, देखिए आपके इकामा एक्सपायर है तो परेशान नहीं होना है, शुरू तो आपको पकड़ेगा चंद घंटे बाद, एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद छोड़ देगा, बोलेगा जाओ अपने कफील के पास आपका इकामा लगा लो, हाँ आप काम करते हुए कहीं से पकड़े जाएंगे तो वो बदून कफील के जुमरे में आपको रख सकता है जेल में, ठीक है। वैसे इकामा एक्सपायर आप घूम रहे हैं वो आपको पकड़ेगा, ले जाएगा, छोड़ देगा, ठीक है। मदीना मुनवरा में हम पांच एक ही गांव के दोस्त पकड़े गए थे, एक घंटा जेल में रखा बाद में छोड़ दिया, मैं खुद से पकड़ा गया था, मैं अपनी लाइफ भी आपको बोला आपकी अपनी बात भी शेयर करता चलो। अच्छा आपने करना क्या है, इकामा एक्सपायर अभी घर कैसे जाएं भाई, तू ये बोल रहा है कि शाहरुख खान जैसी लिबाहें फैलाकर मिलना है तो कैसे है, इकामा तो एक्सपायर है कैसे जाएं घर। देखिए आपने ना अगर आपका कफील मुसस्सा कंपनी रेड में है ना, वज़ारत अमल की वेबसाइट से आप खुद चेक कर सकते हैं, आपने सफारा में जाकर पेपर जमा करवा देना है अपना, ठीक है, आपके पासपोर्ट की कॉपी, इकामे की कॉपी और साथ में पेपर वो वहीं पर बनाकर लिख के उसके ऊपर आपके अंगूठा और साइन वगैरह ले लेते हैं और 20 रियाल लेते हैं, फाइल बनाकर आपके हाथ में देते हैं, आपने ऊपर जाकर रिसेप्शन के ऊपर जमा करवा देनी, 5 नंबर कमरे के साथ है जी इस तरह, 5 नंबर में वो मेरा ख्याल है हरूप वालों को जमा होते हैं, जब 10 बार की बात कर रहा हूँ, रियाल में भी यही सिस्टम है, आपने अपने पेपर जमा करवा देने, आपकी एक फाइल में पेपर लग जाएंगे,
ठीक है जी। अगर तो आपका जद्दा वगैरह का कहीं बड़े शहर का कफील है तो आपका 2-4-6 माह भी लग सकते हैं खरूज लगने में। अगर आपका छोटे मामा छोटे जैसे मक्का का कफील है, मक्का का कफील मैंने देखा है 1 माह में खरूज उनका लग रहा है मक्का जैसे, या किसी छोटे शहर का कफील है और वो भाई फिर 1-1.5 माह 2 माह में उनका खरूज लग जाता है। आपकी बकायदा सिम के ऊपर आपको मैसेज आ जाता है और उसके बाद आप जाएं अपना खरूज वाला पेपर निकलवाएं। खरूज वाला पेपर आपने निकलवाना हो मतार वाला, यानी कि मतार वाला पेपर वो है जिससे आप ये कन्फर्म कर सकें कि आपके ऊपर अभी तो सऊदी अरब में पाबंदी है या नहीं, हम यानी कि दोबारा जा सकते हैं या नहीं, वो भी आप हमसे यानी खरूज वाला पेपर या मतार पेपर निकलवाना हो तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप हमसे भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, आपका खरूज लग गया, आपने भाई खरूज वाला पेपर ले लिया, अभी आपने बकायदा वहां पर आपको ऊपर लिखा दिखाई देगा 60 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक है जी, 60 दिन आपने 20 दिन गुजारे, 30 दिन गुजारे, 40 दिन, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि 30-40 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएं, वैसे यही है। क्योंकि मैंने एक केस ऐसा भी देखा कि भाई यही गड़बड़ जाता हूँ लास्ट दिनों में जाने लगा, वो रोक लिया उसको फिर दोबारा। अगर 30-40 दिन आपके पास हैं कहीं काम करना है, घूमना फिरना है, मदीना शरीफ मक्का शरीफ ज्यारतें करनी है, उमरा करना है करें, उसके बाद शॉपिंग करें, टिकट लें अपनी 8-10 दिन बाद की कुछ सस्ती टिकट देख कर लें, जैसा कि हमने खरीदी सरीन एयरलाइन 450,000 में, मैंने इतनी वीडियो लगाई उसके मतलब बहुत से भाइयों ने खरीदी एयरपोर्ट के ऊपर, जब मैं सरीन से आ रखा था मुझे वहीं पर मिल गया, मुझे बोल रहे थे अगर तूने झूठ बोला हुआ ना ये एयरलाइन अच्छी ना हो तो तेरे को पकड़ेंगे हम यहीं पर, तो वो शुक्र है अच्छी थी। अच्छा बार उन्होंने 550 में ली थी, लेकिन मैंने टाइम से बुक की, पहले बुक की तो मुझे 450 की मिली थी, 70 किलो वजन प्लस 7 किलो हैंड कैरी के साथ, 80 किलो वजन आप ला सकते हैं। तो ऐसी कोई टिकट पहले से बाय कर लें और आए पाकिस्तान में आकर अपनी फैमिली को एयरपोर्ट के ऊपर मिलें, जब ये डाट डालकर और बाद में घर का अपने घर की तरफ सफर करें, काम एक्सपायर है, आप लीगल तरीके से आ जाएंगे, बाइज्जत तरीके से आ जाएंगे और इस चीज़ के ऊपर बाद में आपके ऊपर उमरा के लिए पाबंदी बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, वर्क वीजा के तौर पर आप ये चेक करवा सकते हैं मुतार पेपर, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा, जिसके मतलब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, व्हाट्सअप